तो चलिए एक बार फिर हम लोग फाइव प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं। ये फाइव प्रॉब्लम्स इस वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है, और ये सारे प्रॉब्लम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स होंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ, आपको कहीं से भी ऐसे प्रॉब्लम मिलते हैं उसको सॉल्व करते रहिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है नहीं सॉल्व होता है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाइए। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस वन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा गया है जिसमें ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो एक तरफ जो नंबर है सबसे पहले उनको सिंप्लीफाई करना है, और दूसरी तरफ का जो नंबर है उन्हीं के साथ उसको कर देना है कोरिलेट। तो यहाँ पे लिखोगे इसको फाइव, और रूट फाइव का मतलब आपको मालूम है, फाइव के पावर होता है हाफ, मतलब रूट का मतलब हाफ होता है पावर। मल्टीप्लाई फाइव के पावर थ्री लिख दिया। अभी जो डिवाइड है, अगर इसको मल्टीप्लाई लिखना चाहें तो आपको जो अगला नंबर होता है उसके पावर का साइन बदलना होता है। इसको फाइव के पावर आप थ्री बाई टू लिखोगे, इक्वल टू फाइव पावर ए प्लस टू, यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब इधर आप देख लो, फाइव के पावर वन और फाइव के पावर थ्री मिलके हो जाएगा फाइव के पावर फोर, और फाइव के पावर हाफ और थ्री बाई टू जब जोड़ोगे तो ये फाइव के पावर टू आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पे आप ऐड करके चेक कर लो, जो वन बाई टू और थ्री बाई टू को ऐड करोगे तो एलसीएम टू होगा, ये वन प्लस थ्री होगा, ये हो जाएगा फोर बाई टू मतलब टू, ठीक है। अब इधर हमारा फाइव के पावर ए प्लस टू अभी भी ऐसे ही है। अब आपको मालूम है कि जब बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो इसको लिखोगे फाइव के पावर सिक्स, और इधर हो जाएगा फाइव के पावर ए प्लस टू। अब दो नंबर जो कि इक्वल लिखे जाएंगे और उनका बेस अगर सेम रहेगा तो उनका जो एक्सपोनेंट होता है वो भी सेम रहता है, इसलिए इसको आप रिलेट कर दोगे तो लिखना पड़ेगा आपको सिक्स इक्वल टू ए प्लस टू। यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगा सिक्स माइनस टू मीन्स फोर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू फोर है, ठीक है। ये हो गया पहला प्रॉब्लम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाइए। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 300 मीटर इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 3:5:7, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हीरोन फॉर्मूला से प्रॉब्लम लिया गया है। तो इसमें पेरीमीटर आपको दे रखा है, और जब भी आपको साइड का रेशियो देगा तो उसको सबसे पहले आपको किसी वेरिएबल के साथ लिखना होता है। तो यहाँ पे जो साइड्स होगा उसको वेरिएबल के साथ लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 3x, 5x और 7x, ठीक है। और जब पेरीमीटर लिखोगे तीनों साइड का सम लिखना पड़ेगा, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये तीनों मिल के जो पेरीमीटर है वो 300 के बराबर है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15x, और ये इक्वल हो जाएगा 300, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20, ठीक है। अब इसी वैल्यू को अगर यूज कर लो इनके रेशियो के साथ, आपको तीनों साइड्स मिल जाएंगे। तब यहां से साइड्स लिख लो सारा, पहला साइड हो जाएगा 3x मतलब 3 × 20, ये 60 हो जाएगा। दूसरा साइड है 5x, तो 20 × 5 करोगे तो 100 आ जाएगा। तीसरा है 7x, 7 × 20 करोगे तो 140 आ जाएगा। यही तीन साइड है जिनको आपको यूज करना है। सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो एस इक्वल टू लिखना पड़ेगा पेरीमीटर बाई टू, तो 300/2 करोगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हीरोन्स वाला, हम उसको यूज कर लेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो वैल्यू सारा यूज कर लो, तो रूट में आपको लिखना पड़ेगा एस की वैल्यू मतलब 150 मल्टीप्लाई 150 माइनस अगर 60 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 90, और 150 माइनस 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा 50, और माइनस 40 करोगे तो आपको मिल जाएगा 60, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जितने जीरो होते हैं ना सबको एक साथ लिख दो, पहले नंबर को अलग कर दो, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसको लिख देंगे 15, इसको 9, इसको 5, इसको 6, और चार जीरो हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 15 को लिखोगे 3 × 5, 9 को 9 ही रहने देते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होगा, हम बाहर कर देंगे। 5 को ऐसे रहने देते हैं, और 6 को लिखेंगे 2 × 3, और 4 जीरो ऐसे ही रहने देते हैं। ये फैक्टराइजेशन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप सॉल्व करोगे। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर लेना, आप छोटे फैक्टर भी बना सकते हो, बड़े फैक्टर से भी कॉमन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे 9 का 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे 3 का पेयर बन चुका है, एक 3 बाहर हुआ, 5 का पेयर बन चुका है तो एक 5 बाहर हुआ, और 4 जीरो का 2 जीरो बाहर हो जाएगा, और अंदर बचेगा एक रूट टू, तो अंदर 2 छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 3 3 9, और 9 5 45, तो 4500√2 m², ये हो जाएगा इसका एरिया, आपको यही बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पी एक्स, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस टू।
जब यहाँ पे एक्स प्लस टू से बोल देगा कि एग्जैक्टली डिविजिबल है और आपको के बताना है, तो यहाँ पे कभी भी हम डिविजन नहीं करते, हम लोग रिमाइंडर थियरम से इसको सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे जो फैक्टर देगा, सबसे पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो जब फैक्टर एक्स प्लस टू होगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको लिखनी है -2, साइन बदल के हम लोग लिखते हैं, याद रखिएगा। तो अब जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, ये इस पूरे इक्वेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर देगा। मतलब जब एक्स की वैल्यू -2 आप इस इक्वेशन में यूज करोगे, तो आपको जो आंसर है वो 0 मिलना चाहिए। तो उसके इक्वल टू 0 लिख के और सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों को के मिल जाएगा। तो चलिए पहले इक्वेशन लिख देते हैं कि एक्स के पावर 3 प्लस 20 एक्स का स्क्वायर प्लस 32 इंटू एक्स -5 है। अब वैल्यू यूज करना है एक्स की जगह -2, तो लिखेंगे के -2 का क्यूब प्लस 20 -2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -2 -5, और अभी वैल्यू यूज कर लिए हो इसलिए आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब करोगे माइनस साइन के साथ, ये -8 आएगा, तो आपको लिखना है -8 के, और ये हो जाएगा 20 इंटू 4 प्लस ये 32 इंटू -2 ही रहेगा, और ये -5 रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये -8 के इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा +80, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -64, और ये -5, ठीक है। अब आगे इसको लिखेंगे -8 के, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा +11, इक्वल टू 0। तो -8 के इक्वल टू -11, माइनस कैंसिल कर देंगे तो के इक्वल टू आपको मिल जाएगा 11/8, और यही इसका हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। यू नो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई दिस वन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो फर्स्ट वी सिंप्लीफाई द फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पहला एक्सप्रेशन हो गया, इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे तो ये आंसर माइनस में आएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना है -2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे भी माइनस का मल्टीप्लाई है इसलिए माइनस में आंसर आएगा -2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पहला रिलेशन आया हुआ है। अब यहाँ पे माइनस करना है आपको दूसरे को, तो पहले इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको मैं डायरेक्ट अब सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। आप याद रखना कि जब आपको यहाँ पे कहीं पे भी माइनस साइन आ जाए तो पहले जो 3 स्क्वायर होते हैं ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं आते, तो इनको तो हमेशा पॉजिटिव लिखना है। फिर जिसके साथ नेगेटिव साइन लगा रहेगा उसके साथ वाला जो मल्टीप्लाई होगा उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर हम लोग माइनस करेंगे। तो इसका हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में है इसलिए माइनस में आंसर आएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई जेड का मल्टीप्लाई भी माइनस में आएगा तो लिखोगे -2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई है वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे लिखना है +2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जब माइनस करना होगा तो सेकेंड इक्वेशन का साइन आपको चेंज करना है सारा, तो सभी साइन को बदल देंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो एक्स पावर 4 वाई पावर 4 जेड पावर 4 ये पूरा कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी सेम साइन है तो ऐड होगा, तो होगा -4 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है कॉमन कर दो, तो 4 एक्स स्क्वायर कॉमन कर दोगे, y² - z² इसका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेना, और ऐड करना होगा तो फिर ऐड कर देना, और अगर सबट्रैक्ट करना होगा तो दूसरे वाले इक्वेशन का सबका साइन बदल के ऐड कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए।
कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज रुपीज 5 लेस देन हाफ ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटबुक, राइट लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पेन है और एक नोटबुक है, तो दोनों का पहले आप जो भी कॉस्ट है उसको एज्यूम कर लो। तो आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन ये हो जाएगा रुपीज वाई। ठीक है, अब इसी एक्स वाई का हिसाब उन्होंने दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, यानी जो पेन का कॉस्ट है मतलब वाई, ये क्या है, जो एक नोटबुक के कॉस्ट है उसके हाफ से 5 कम है। तो पहले नोटबुक का कॉस्ट एक्स है तो इसका हाफ कर दिया और इसमें से 5 हमने कम कर दिया, तो ये रिलेशन हो गया। अब अगर आप फ्रैक्शन नहीं चाहते तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये फ्रैक्शन हट जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा x और -10। ठीक है, मतलब x -2y -10 इक्वल टू 0, ये आपका बन गया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब यहाँ से कभी कभी आपसे इनका सोल्यूशन पूछ लेता है और कभी कभी आपको कुछ नोटबुक और कुछ पेन की वैल्यू दे देगा और पूरा उसका कॉस्ट पूछ लेता है। जैसा प्रॉब्लम होगा वैसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे केवल इक्वेशन बनाना था इसलिए हम लोग इक्वेशन बना के छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।